के सामने निजी स्कूल बच्चों से भरी हुई बस वहां पर पलट गई। कुछ बच्चे घायल हुए हैं गंभीर रूप से। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको घटनास्थल की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए बस पूरी तरह से पलटी हुई नजर आ रही है। स्कूल के बच्चे इसमें सवार थे, स्कूल की ये बस है, येलो कलर की आपको नजर आ रही होगी। कुछ बच्चों को बताया जा रहा है कि चोट काफी गंभीर रूप से लगी है, जिन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कोचा से, जहां पर तस्वीर भी निकल करके सामने आई है। फिलहाल दो तस्वीर आप देखिए, पहली तस्वीर देखिए कैसे जो है बस पलटी है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये बस कैसे पलटी है, कुछ बच्चे गंभीर रूप से घायल है, स्थिति क्या बनी हुई है उनकी? देखिए ये नांता इलाका है और नांता इलाके का ये निजी स्कूल था जिसकी ये बस थी, और नांता ट्रैक टचिंग जो ग्राउंड है उसके पास में ये बस एकाएक अनियंत्रित होकर के पलट गई। और फिलहाल बस के पलटने के क्या वजह जो है वो रही ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाए, लेकिन मोटे तौर पर यही बताया गया है कि बस एकाएक अनियंत्रित हुई और अनियंत्रित होकर के पलट गई। इस हादसे में चार जो छात्र हैं वो बस के अंदर दब गए थे, जिनको निकाला गया है। अभी एक और छात्र के दबे होने की आशंका है, जिसे फिलहाल तलाश किया जा रहा है, और बाकी जो चार घायल स्टूडेंट हैं उनको एमबीएस के अस्पताल में लाया जा रहा है। और इसके साथ ही कोनाड़ी थाना जो पुलिस है वो मौके पर पहुंची है, पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर स्टूडेंट से जुड़ा हुआ मामला है। स्कूल वैन जो है वो हादसे का शिकार हुई है, ये जो बस है वो हादसे का शिकार हुई है, तो मौके पर लोगों की जो भीड़ है। यह हादसा कितनी देर पहले हिमांशु हुआ, कितने बच्चे घायल है और इसमें गंभीर स्थिति किसकी बनी हुई है? देखिए चार स्टूडेंट घायल हैं, जिनको फिलहाल रेस्क्यू करने के साथ निकालने के साथ एमबीएस अस्पताल लेकर के लेकर के आने वाले हैं अब से कुछ देर बाद में, क्योंकि नांता ट्रैचिंग ग्राउंड की अगर बात करें तो करीब करीब एमबीएस अस्पताल से ये 10 किलोमीटर के करीब की दूरी है। तो माना जा सकता है कि कुछ देर में इन स्टूडेंट को एमबीएस अस्पताल लाया जाएगा। एमबीएस अस्पताल लाने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन अच्छा, लेकिन ये दिख रहा है कि बस जो है पूरी तरह से पलट गई है, वजह क्या अब तक साफ हो पाई, किस तरह से हादसा हुआ? देखिए फिलहाल प्राइमा फैसी जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जिनके तरफ से सूचना दी गई, प्रत्यक्षदर्शियों के तरफ से बताया गया, जैसा कि उस हिसाब से यही अब तक पता चल पाया है कि बस एकाएक अनियंत्रित हुई और अनियंत्रित होकर के इस हिस्से में जा गिरी। तेज रफ्तार या गड्ढे होना इसका कारण हो सकते हैं? कितने बच्चे इसमें मौजूद थे उस वक्त हिमांशु? देखिए ये नांता इलाका है और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई इस इलाके में, जिस इलाके में ये घटना हुई, दुर्घटना हुई, वहां पर सकरी सड़कें हैं, बकायदा चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं और जो हैवी व्हीकल्स हैं वो वहां से निकलते हैं। फिलहाल हादसा किस तरह से हुआ, क्या उसकी वजह रही, ये स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि ये जांच का विषय है, लेकिन जो मौके पर लोगों ने देखा वो यही बता रहे हैं कि बस एकाएक अनियंत्रित हुई। अनियंत्रित होने की क्या वजह रही इस पर फिलहाल बयान नहीं आया है, लेकिन ड्राइवर को डिटेन किया गया है, उससे पूछताछ हुई है। अभिभावकों को क्या सूचित किया गया है हिमांशु? देखिए अभिभावकों को सूचित किया गया है, जिन जो स्टूडेंट इस घटना में घायल हुए हैं उन्हें फिलहाल एमबीएस अस्पताल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेकर के यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, तो जैसे ही उन्हें यहाँ पर लाया जाएगा उनकी हालत क्या है, कितना गंभीर चोटें उनको आई हैं, उनका इलाज जो है वो यहाँ पर शुरू किया जाएगा, क्योंकि डॉक्टरों की टीमों को भी यहाँ पर अलर्ट किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया मौके पर कोनाड़ी थाने से जुड़े हुए तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। ड्राइवर से जो है वो पूछताछ की जा रही है, उसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। तो हिमांशु दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्रेन की मदद से बस को हटाने की कोशिश भी की जा रही है। परिवार का कोई रिएक्शन सामने आया है कि कैसे, कुछ बताया क्या परिवारजनों ने इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए परिवार के सदस्यों को इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो अब से कुछ देर में एमबीएस अस्पताल ही पहुंचेंगे, जिसके साथ ही तमाम तरह से जो चीजें हैं वो साफ हो पाएंगी, क्योंकि कहां पर नेग्लिजेंसी रही है, किस स्तर पर नेग्लिजेंसी रही है, किस वजह से ये पूरा की पूरा हादसा पेश आया है, उस पर किसी भी तरह का कोई भी अभी ऑफिशियल जो बयान है वो नहीं आया है। तो पुलिस की तरफ से भी अभी पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन में है। लेकिन हिमांशु हादसा बड़ा लग रहा है, तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही है, बस पूरी तरह से पलट गई है, क्रेन की मदद लेनी पड़ी है उसको सीधा करने में। कितने बच्चे उस वक्त सवार रहे होंगे? देखिए आपको बता दें कि ये नांता इलाके का सत्यम पब्लिक स्कूल बताया जा रहा है, और ये जो स्टूडेंट हैं जो इस घटना के अंदर घायल हुए हैं, जिनकी उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं लग रही, यानी कि प्राइमा फैसिन के साथ में लगता है कि ये फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ इसी तरह के इस स्टैंडर्ड के
स्टूडेंट हैं और ऐसे में ये पूरी की पूरी बस जो है वो स्कूल की छुट्टी होने के बाद में स्कूल से रवाना हुई, यानी कि उन तमाम स्टूडेंट को घर पर छोड़ने के लिए उनको घर ले जा घर पर वापस लेकर के जा रही थी। और इसी बीच में ये पूरा की पूरा हादसा स्कूल से निकलते ही कुछ दूरी पर पेश आया है। तो फिलहाल हिमांशु कुछ बच्चों की तस्वीरें भी आ गई हैं, छोटे बच्चे काफी सहमे हुए नजर आ रहे हैं और खौफ इनके चेहरों पर नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर हिमांशु जैसे बता रहे हैं कि छोटे बच्चे ही रहे होंगे, वही दिख रहा है, ये छोटे छोटे 4 से 5 साल के बच्चे, कोई 3 साल का बच्चा दिख रहा है। ये हादसा हुआ है जब बस यहाँ पर स्कूली बच्चों से भरी हुई थी, 4 बच्चे बताया जा रहा है इसमें घायल हुए हैं, इनमें से कुछ की स्थिति गंभीर भी है, MBS अस्पताल में कुछ ही देर में वो पहुंचेंगे, अभिभावकों को सूचित कर दिया गया है। जानकारी ये नहीं मिल पा रही कि हादसा हुआ कैसे। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जाहिर तौर पर अभी फिलहाल जो है ड्राइवर को डिटेन करके उससे पूछताछ की जा रही है, समझने की कोशिश की जा रही है कि हादसा कैसे हुआ, लेकिन वापसी के दौरान बताया जा रहा है ये हादसा हुआ, बस अचानक अनियंत्रित होती है अपने और उसके